मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों के साथ मंगलवार रात में फिल्म द केरल स्टोरी देखी। इस दौरान द केरल स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के साथ फिल्म अभिनेत्री अदा शर्मा भी मौजूद थी। फिल्म की स्क्रीनिंग का आयोजन भोपाल के होटल लेक व्यू अशोका में किया गया था। फिल्म को देखने के बाद सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट करके कहा कि फिल्म द केरल स्टोरी आतंकवाद और लव जिहाद के घिनौने चेहरे को उजागर करती है। फिल्म द केरल स्टोरी के कलाकारों से भेंट करके साथी मंत्रीगणों के साथ फिल्म देखी। हमारी बेटियों के वर्तमान और भविष्य को बर्बाद करके जिहाद की आग में झोंकने वालों के षड्यंत्र को देश समझने लगा है। इस अति महत्वपूर्ण विषय को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का साहसपूर्ण कार्य करने के लिए फिल्म की पूरी टीम को साधुवाद। आज ये उद्देश्यपूर्ण फिल्म देखने में भी अपनी टीम के साथ आया हूं और मैंने पहले भी कहा था कि ये फिल्म सबको देखना चाहिए, पालकों को भी और बच्चों को भी, परिवार को भी। प्रेम के जाल में फंसा कर ऐसी अंधेरी दुनिया में हमारी बेटियां पहुंच जाती हैं कि जिंदगी तो नरक बन ही जाती है। देश विरोधी कृत्यों में भी उनको फंसा दिया जाता है। बहुत उद्देश्यपूर्ण फिल्म है और आज हम इस फिल्म को देखेंगे। भोपाल के होटल लेक व्यू अशोका में बने ओपन थिएटर में इस फिल्म द केरल स्टोरी के स्पेशल शो के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिल्म की अभिनेत्री खास तौर पर मौजूद दिखी। इस देश के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री का गौरव दिया और हमारी फिल्म को, हमारे इस विषय को और बेटियों को बचाने के इस मुद्दे को सबसे पहला सपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। हम पूरी टीम की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच। आने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए और हमारे मुख्यमंत्री ने टैक्स फ्री बनाया तो उनके लिए धन्यवाद। और लोग देखें ये फिल्म और अवेयरनेस करें। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों द केरल स्टोरी को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया था। मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों से फिल्म द केरल स्टोरी के स्पेशल शो देखने के लिए ओपन थिएटर आने का न्योता दिया था। उस षड्यंत्र को इंगित कर रही है जो इस देश में लगातार किया जा रहा है। लव जिहाद के माध्यम से बेटियों को गर्त में डालना और फिर उन्हें आतंकवाद की तरफ प्रेरित करना, ये केवल केरल की समस्या नहीं है, ये संपूर्ण देश को जगाने के लिए बहुत जरूरी है कि ये आगे पीछे पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज ये फिल्म हम सबने देखी है। निश्चित रूप से इस फिल्म के माध्यम से हमें समाज को जगाने की जरूरत है। द केरल स्टोरी के स्पेशल शो के लिए फिल्म की टीम मंगलवार को राजधानी भोपाल पहुंची थी। फिल्म को लेकर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में एक सत्र आयोजन भी किया गया था। इस दौरान फिल्म की टीम ने विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ फिल्म के विषय और फिल्म की कहानी, फिल्म की मेकिंग के बारे में अपने अनुभव साझा किए। गौरतलब है कि फिल्म द केरल स्टोरी को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है।